Hello student, today we continue your chapter number 6, physical and chemical changes, and today's topic is your activity number 7. In this activity, we take copper sulfate solution. तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसमें हमें क्या करना है, 1 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है, उसे उसमें ऐड कर देना है 1/2 कप ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद जब हम 1/2 कप ऑफ वाटर इसमें ऐड करेंगे तो उसमें हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करना है, फ्यू ड्रॉप्स। उसके बाद हम इसमें ड्रॉप कर देंगे कोई भी आयरन पीस बोल सकते हैं, या हम कोई भी आयरन नील बोल सकते हैं, या हम यहाँ पे सेविंग ब्लेड भी ले सकते हैं। जो पहले जो हमारा सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का अपेयरेंस दिखाएगा। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हो जाएगी तो जो ये सॉल्यूशन था वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर। तो जो ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो आयरन होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो उसने वहां पे कॉपर को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे अपना आ गया, यानी कि आयरन सल्फेट सॉल्यूशन आ गया। तो उसकी कलर भी इसमें क्या हो गई है, चेंज हो गई है। और जो हमने उसमें कोई आयरन पीस रखा था या हमने आयरन नील ली थी, उसमें जो कॉपर होता है वो डिपॉजिट हो जाता है ब्राउन कलर में। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमें ये देखने को मिला जो हमारा जो आयरन कॉपर सल्फेट था उसकी कोडिंग किस में चल गई है, आयरन नील पे चल गई है। वैसे जो हमारी इसमें जो 8 एक्टिविटी है उसमें भी हमने क्या लेना है, हमने विनेगर लेना है। ठीक है, हमने विनेगर लिया, उसमें हमने ऐड कर दिया बेकिंग सोडा की पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, चुटकी भर हमने बेकिंग सोडा उस सॉल्यूशन में ऐड कर दिया। जब हम बेकिंग सोडा उसमें ऐड करेंगे तो आपने देखा वहां पे ना हेजिंग साउंड भी प्रोड्यूस होगी, बबल्स भी प्रोड्यूस होंगे। वहां पे जाकर बबल्स प्रोड्यूस होंगे तो वहां पे गैस भी रिलीज होगी। अब वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें हमें अदर प्रोडक्ट मिलता है, कोई भी अदर सब्सटेंस। फिर हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड था इसे पास कराना है लाइम वाटर सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर सॉल्यूशन में क्या पास कराएंगे तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट हमें कैसे मिले, तो इसमें देखते हैं कि इसमें कलर चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन का, वो मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा। जो हम फिर आपने देखा होगा, हमने फर्स्ट एक्टिविटी ली थी जिसमें मैग्नीशियम रिबन वाली, उसमें भी आपने देखा होगा जो मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो वहाँ पे प्रोड्यूस करता है लाइट एंड एच। तो ये भी एक एग्जांपल होता है केमिकल चेंज का। यहाँ पे हम बर्निंग लेते हैं, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बर्न होता है जैसे कोल हो गया, वुड हो गया, आपकी लीव्स हो गई है, तो ये सारे के सारे किस चीज़ को शो करती हैं, केमिकल चेंज को शो करती हैं। वैसे ही अगर जब भी कोई बर्निंग होती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ पे हमेशा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि जैसे दिवाली के टाइम आता है बहुत सारे क्रैकर्स या फायरवर्क्स क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो इसमें हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक तो हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट भी इसमें प्रोड्यूस होगी, आपने देखा होगा साउंड भी प्रोड्यूस होगी। फिर आपने ये भी देखा होगा इसमें कि एक अनप्लीजेंट जो गैस होती है वो भी रिलीज होती है, जो कि हमारे एनवायरमेंट के बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। आपने कभी खाना देखा होगा कि जो हमारा फूड होता है अगर हम उसे वो एयर के कांटेक्ट में ऐसे छोड़ दें या उसको रेफ्रिजरेटर में ना रखें 1-2 दिन तक, तो वो क्या हो जाता है, स्पॉइल होना स्टार्ट कर देता है, उसमें बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो भी एक एग्जांपल है केमिकल चेंजेस का। यहाँ पे देखिए, अगर आपने एप्पल लिया, उसका एक स्लाइस काटा, उसको एयर के कॉन्टैक्ट में ऐसी रहने दिया, आफ्टर फ्यू टाइम्स जब आप उसको देखोगे या उसे ऑब्जर्व करोगे तो जो उस एप्पल का कलर था वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो ये चेंजेस भी किसके कारण आते हैं, केमिकल चेंजेस के कारण आते हैं। तो सारी की सारी एक्टिविटीज में हमें ये देखने को मिला कि कभी भी जहाँ पे भी केमिकल चेंजेस होते हैं, यहाँ तो वहाँ पे न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उस न्यू प्रोडक्ट में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप हीट देते हैं, हीट रिलीज होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगा, या जो उसकी पहले जो उसकी स्मेल थी वो टेक ऑफ हो जाएगी न्यू स्मेल के साथ, यहाँ पे कोई गैस रिलीज हो रही है। तो ये सारे के सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं हमारे केमिकल चेंजेस में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने पहले केमिकल चेंज में आपको एग्जांपल दिया था कि रस्टिंग ऑफ आयरन होता है क्या। तो रस्टिंग ऑफ आयरन ये हो सकता है कि ये जो आयरन होते हैं वो आयरन को धीरे धीरे क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। करेंगे तो जो व्हेन द आयरन केम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन एंड वाटर, इट रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स अ रेड कलर्ड सब्सटेंस ओवर इट एंड दिस इज कॉल्ड द रस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आयरन होता है अगर वो कॉन्टैक्ट में आता है या तो ऑक्सीजन के और वाटर के, तो वहां पे इनके बीच में रिएक्ट
रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। ये रिएक्शन होने के बाद वहां पे एक रेड कलर की अपीयरेंस हो जाएगी और इस अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। अब हम इसे रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। देखिए आयरन है, एयर के कॉन्टेक्ट में आया और एयर में क्या प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन प्लस वाटर, वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इनके बीच में रिएक्शन हुई, इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, रस्ट फॉर्म कर दिया। तो जब ये रस्ट होता है, ये होता है हमारा आयरन ऑक्साइड, ठीक है। देखिए Fe प्लस O2 प्लस H2O ये हमें क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। हमने देखा कि कैसे रस्टिंग होती है आयरन में, क्योंकि अब इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, हम कैसे हम आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी बड़े ब्रिज होते हैं, हमारे ट्रक्स हैं, बसेस हैं, कार्स हैं, ठीक है, जो हमारे हाउस में कई ऐसे चीजें मटेरियल यूज होते हैं जो आयरन के बने हुए रहते हैं, तो रस्टिंग से प्रिवेंट करना हमें इनको बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज अप्लाई करनी होती है, तो हम उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट सो दैट दे कैन नॉट केम इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन और मॉइस्चर इन द एनवायरमेंट। तो सबसे पहले जिसमें फर्स्ट टॉपिक है कि हमें जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट रहते हैं जिनका हम यूज करते हैं, उनमें हमें या तो पेंट की कोटिंग करनी है या हमें ग्रीस की कोटिंग करनी है, ताकि जो आयरन है वो किसके कॉन्टेक्ट में ना आए, एयर है मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में ना आए। जब वो कॉन्टेक्ट में ही नहीं आएगा तो वहां पे कोई रिएक्शन ही फॉर्म नहीं होगी और इससे जो हमारा आयरन है वो क्या हो जाएगा, रस्टिंग से प्रिवेंट हो जाएगा। सेकेंड आता है गैल्वनाइजेशन, एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में अप्लाइंग द लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम मेटल्स ऑन द आयरन, इसमें हम आयरन के ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, एक लेयर अप्लाई कर देते हैं, ताकि जो जैसे जो दो सब्सटेंसेस हम इसमें यूज करते हैं वो जिंक होता है, क्रोमियम होता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन कहते हैं, ताकि जो आयरन है वो किसके कॉन्टेक्ट में ना आए, एयर। नाउ अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन होता ही क्या है, हम देखते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। हमें जब भी हमें किसी सॉल्यूशन से एक प्योर सब्सटेंस की क्रिस्टल ऑब्टेन होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन होता है क्या। हमने क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें हमने पोर कर देना है वाटर, ठीक। उस वाटर में हम ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के, फिर हमें उस सॉल्यूशन को बॉईल करना है। जब हम उसमें बॉईल करेंगे तो हम उसमें ऐड करते रहेंगे कॉपर सल्फेट पाउडर, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट पाउडर हमें स्लोली स्लोली उसमें ऐड करना है, उसमें तब तक ये पाउडर ऐड करते जाना है जब तक वो पूरा सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डेंस ना हो जाए, उसकी वो कंडीशन ना आ जाए कि उसमें और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो उसमें ऐड ही रहा, यानी कि वो डिजोल्व ही ना हो रहा उस सॉल्यूशन में, ठीक है। उस सॉल्यूशन को फिर हमने ठंडा होने के लिए रहने देना है विदाउट एनी डिस्टर्बेंसिंग, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। आफ्टर सम टाइम जब हम उसको देखेंगे तो उसमें क्या होंगे, सॉल्यूशन में क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे। तो वो क्रिस्टल मतलब हमने एक सॉल्यूशन से एक सब्सटेंस की प्योर फॉर्म निकाल दी, एज किसके रूप में, क्रिस्टल के रूप में। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न अबाउट द फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। अब आप अपने एनवायरमेंट में या अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग्स में आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन से आपके केमिकल चेंजेस होते हैं, कौन कौन से आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं। थैंक यू।